तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। बाबर आजम पर तनकीद करना इंतहाई अफसोसनाक बात है। कामरान अकमल ने हैरान कुन बयान जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने कौमी वनडे और T20 टीम के कप्तान बाबर आजम पर तनकीद को अफसोसनाक करार देते हुए कहा है कि हम अपनी तवानाई या नौजवान कप्तान की हौसला अफजाई करने पर भी खर्च कर सकते हैं। उन्होंने कहा, अफसोसनाक बात तो ये है कि लोगों ने हमारे नंबर वन बल्लेबाज बाबर आजम को भी तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वो तेज़ रफ्तारी से रन नहीं बनाते या ज़्यादा मैचेस नहीं जीत रहे। हम क्या चाहते हैं? अगर हम मामलात में बेहतरी चाहते हैं तो अपनी तवानाइयां उनकी हौसला अफजाई पर खर्च करनी चाहिए। टीम इंतजामिया इस बात को यकीनी बनाए कि स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों को भरपूर सपोर्ट और एतमाद मैसर होने के मंजूर नज़र अफराद को ही तरजीह दी जाती रहे। कामरान अकमल ने कहा कि जब किसी खिलाड़ी को उसकी कारकर्दगी देके बगैर ही इंटरनेशनल क्रिकेट से निकालना चाहें तो बहुत आसानी से कह देते हैं कि फलां क्रिकेटर अब ख़त्म हो गया है, अब उसे टीम से निकाल दे। साबिक क्रिकेटर्स समेत बहुत से लोग मोहम्मद हफीज़ को टीम से निकालने की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कड़े हुए और अपनी कारकर्दगी से टीम को मैचेस जितवाए। मुझे उम्मीद है कि नागदीन के पास अब कोई जवाब नहीं है और उन्हें अच्छी तरह सबक मिल गया होगा। तो भैया, ये थी कामरान अकमल के हवाले से कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखें। शुक्रिया।